भाई अपनी आ गई है चाय कुल्लड़ वाली। 370 फीट की मूर्ति है ये बाबा की। दाल तड़का बनाएंगे, जीरा राइस बनाएंगे, पुलाव बनाएंगे और पापड़ देंगे, सलाद देंगे, गुलाब जामुन देंगे, रायता देंगे और ग्रिल सलाद। बढ़िया है, बढ़िया है। मेरे तो देख के मुंह में पानी आ रहा है। स्पेशल थाली लग गई है, बिल्कुल सब्जी का जो कलर देख के जो मुंह में पानी आ रहा है ना, बता नहीं सकता भाई। सोएगा नहीं क्या तू? चोजा चल। हाय, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, कामागनी, वेलकम बैक टू द चैनल। भाई एक महीने बाद में ये व्लॉग मैं बना रहा हूँ। बीच में बहुत बिजी था यार, बहुत सारे काम थे जिसके अंदर टाइम ही नहीं मिल पाया। प्लस एक ये भी था भाई कि मतलब दी चैनल वाज ग्रोइंग वे टू स्लो, और उस चक्कर के अंदर देखो सब सो रहे हैं, सुबह के बज रहे हैं 6 और सबकी नींद आ रही है, ठीक है। और नीतू भी सो रही है, विवान भी सो रहा है, लेकिन इस बच्चे को देखो, सोएगा नहीं क्या तू? चोजा चल। हाँ सोचा बेटा, सोचा नहीं सोएगा। पापा जा रहे हैं, पापा घूमी करने जा रहे हैं, घूमी करके आएंगे फिर तेरे को खिलाएंगे, ठीक है, चलो बाय बाय। तो यहाँ से रवानगी लेते हैं भैया। आज का प्लान क्या है? आज का प्लान ये है कि दैट हम लोग जा रहे हैं नाथद्वारा, श्री नाथ जी के दर्शन करने के लिए। काम तो ऑफिशियल है, जो जाने का जो रीजन है नाथद्वारा वो तो ऑफिशियल है, लेकिन हम लोगों को ऑफिशियल से क्या मतलब भाई। सो हम लोगों ने प्लान ये किया था कि यहाँ से निकलेंगे, जयपुर से नाथद्वारा पहुंचेंगे, नाथद्वारा के अंदर अपना काम खत्म करके देन नाथद्वारा जी श्री नाथ जी के दर्शन करके एंड देन वी विल बी कमिंग बैक। रात को रुकने का प्लान था, बट अभी रुकने का कोई फायदा नहीं क्योंकि वी आर लिविंग अर्ली इन द मॉर्निंग, 6 बजे निकल रहे हैं, तो मोटा मोटा 11:30-12 बजे के आसपास में हम लोग नाथद्वारा पहुंच जाएंगे और 2-3 बजे तक अपना काम खत्म करके एंड देन हम लोग चल जाएंगे दर्शन करने के लिए। तो दर्शन करके 4-5 बजे तक वापस बैठेंगे, तो रात के मोटा मोटा आप लोग तो 10-11-12 बजे तक हम लोग वापस जयपुर आ जाएंगे। सो सैटरडे वेल यूटिलाइज्ड। आज तो अपन ने अपने रिकॉर्ड तोड़ दिया है, ऐसा लग रहा है रात को निकल रहे हैं हम लोग। अरे हमारे लखपति जी बिल्कुल टाइम पे आ गए, 4 मिनट लेट नहीं है। चश्मा सही लग रहा है। अरे ब्रज भाई के, यह हमारे राजवीर दादा, यह हमारे लखपति जी, अभी उन्होंने हमें आसमान की सवारी करा दी थी। इनकी ऑल्टो टेक ऑफ हो गई थी, सीधे बोल रही थी नाथद्वारा लैंड करूंगी, अगर मैं बताता नहीं ब्रेकर है। तो मैंने बोला ब्रेकर है, तो बोला लैंड, वो टेक ऑफ करके वापस लैंड कर गई। अभी ब्रज भाई पूजा कर रहे हैं, मैंने बोला हम लोग जब तक बजट देख लेते हैं और ये लोग पेट पूजा कर रहे हैं, तो ब्रज भाई पूजा कर लें उसके बाद में यहाँ से लेते हैं रवानगी। हम चल रहे हैं भाई साहब शाही सफारी के अंदर, शाही सवारी सफारी के अंदर है ना। मैं बैठूंगा पीछे आराम से ऐसे करके और ऐसे करके सो जाऊंगा अब मैं आराम से, जब तक मैं नाथद्वारा नहीं पहुंचा। बीच में चाय पिला देना बस 2 बार यार, चाय पकोड़े सब चलेंगे। नहीं यार पकोड़े मैं खा नहीं सकता। अच्छा हम तो खाएंगे, आप लोग खा लो यार। तो भाई एज यूजुअल 6 बजे का नाम लेके और 8 बजे चल रहे हैं यहाँ से। 6 बजे का नाम भाई साहब लखपत जी ने लिया था, मुझे तो पता ही था, मुझे बोल रहे थे भाई 9 बजे तो उठता है। 9 बजे उठता हूँ, तुम सही कह रहे हो। हाँ तो बाकी दिन उठता हूँ, जिस दिन टूर पे जाना होता है उस दिन अपन टाइम पे हो जाते हैं। चलो भाई ये सीट कवर अपने मोटो कॉन्सेप्ट के लगाए हुए हैं। हाँ चमक रही है यार अंदर से, तो मेरे बैग में सभी बचे 9:15 और यहाँ से लग जाएंगे और 4 घंटे। अभी तो किशनगढ़ भी नहीं आया है, हम लोग रुके हैं बनी ठनी होटल एंड रेस्टोरेंट। हाँ सर क्या पियोगे? ठीक है तो विस्की या रम? आई हम विस्की। ये सब जाएगा ऊपर। शर्म नहीं आती सुबह सुबह विस्की पीने के लिए? अरे सुबह की इसकी चाय होती है चाय। अच्छा आप यही नहीं समझ रहे हो यार। भाई चाय ला दे यार।
तो भाई ये आ गया सैंडविच, ये आ गया बटर टोस्ट, ये तो वेज ग्रिल्ड सैंडविच बिल्कुल देसी जुगाड़ लग रहा है यार। ये वो वाले ग्रिल्ड ही नहीं है, जैसे वैसा ग्रिल्ड आता है ना वो जो सैंडविच मेकर में बनाया हुआ है। चलो अपनी तो चाय आएगी, हम पियेंगे चाय। तो भाई अपनी आ गई है चाय कुल्हड़ वाली, चाय बढ़िया है। लेकिन कुल्हड़ में एक दिक्कत होती है कि ठंडी जल्दी हो जाती है, और ये कुल्हड़ में तो यार ऐसा लगता है जैसे बस दो घूंट आई है, क्योंकि जब तक आप एक पहली लेती हो दूसरी लेते हो चाय ठंडी हो गई, तीसरे घूंट में तो पूरी पी लेते हो आप। चाय अपन ने पी लिया, इन लोगों ने कर लिया नाश्ता, अब यहाँ से रवानगी ले रहे हैं उदयपुर के लिए। द फीलिंग इज प्रीटी अमेजिंग भाई, अभी ऐसा लग रहा है कि जितने भी अपन ने ट्रिप करे है ना उसमें अपन को साइड में बैठ के जाना चाहिए था। यहाँ से राजसमंद है 55 किलोमीटर, और उसके बाद में नाथद्वारा इज अनदर 30-40 किलोमीटर। बट आप लोगों को एक चीज बताना भूल गया यार मैं, कि अपनी जो वरना है वो अपन बेच चुके हैं यार। तो वरना हम लोगों ने सेल ऑफ कर दी है, अभी कुछ दूसरी प्लानिंग चल रही है, वो बहुत जल्द मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट व्लॉग के अंदर हम लोग आपको बता देंगे कि कौन सी गाड़ी ले रहे हैं। फाइनल कर दी है, जस्ट फाइनल चेकिंग चल रही है कि गाड़ी कितनी चली हुई है, उसका इंश्योरेंस, उसके टायर, उसको एक बार मैकेनिक के पास में दिखाना है, तो फाइनल नेगोशिएशन के अंदर है। सो वेरी सून दैट वुड बी फाइनलाइज्ड, और चलेंगे भाई लेने के लिए नेक्स्ट व्लॉग में, मोस्ट प्रोबेबली फिंगर्स क्रॉस्ड। सो और हाँ ये है कि दी कार दैट वी हैव फाइनलाइज्ड इज वे वे बेटर देन वरना, और ब्रांड जो है वो हम लोग ऑलरेडी पहले ओन करते थे। तो अगर जो लोग मेरे को जानते हैं अच्छे से तो उन लोगों को पता लग जाएगा कि है ना कौन सी ब्रांड की गाड़ी ले रहे हैं। हम लोग ऑलरेडी ओन करते थे एंड इट्स अ सेडान, और आप लोगों को समझ में आ गया ना भाई ब्रांड, तो प्लीज़ कमेंट में लिख के मेरे को बताना, जो मेरे नियर एंड डियर से फैमिली वाले जो देख रहे हैं उन लोगों को समझ में आ जाएगा कौन सा ब्रांड है। इस पर लगाया है सेंधा नमक और लाल मिर्च, बहुत रॉन्डोर है। तो हम लोग पहुंच गए हैं श्रीनाथ जी, और यहां से गाड़ी कर दी हम लोगों ने पार्किंग में, और हम चारों भाई जा रहे हैं ऑटो में। भैया कितनी दूर है यहां से? 1 किलोमीटर ओनली। अच्छा हां, मंदिर का मैं ये देखो मूर्ति, देखो बाबा की मूर्ति 370 फीट ऊंची है, ये 370 फीट ऊंची है ये बाबा की मूर्ति। वेल दर्शन हम लोगों ने कर लिए हैं, ठीक है ना, और प्रसाद भी ले लिया है। अंदर कैमरा अलाउड नहीं है तो कैमरा डिपॉजिट कराना पड़ा, उसके बाद में दर्शन करके आ गए। बहुत ही सुंदर दर्शन हुए हैं भाई, जब भी आओ नाथद्वारा ये उदयपुर तो श्रीनाथ जी के दर्शन ज़रूर करके जाओ। तो अभी वापस जाएंगे, ऑटो लेंगे, और उसके बाद में गाड़ी। मेरे हिसाब से ऑटो की ज़रूरत नहीं है, पैदल पैदल भी जा सकते हैं हम लोग, उससे पहले बीच में पीते हैं चाय। तो भाई अब चलना पड़ेगा थोड़ा सा पैदल, और आगे ऑटो, वहाँ से ऑटो लेंगे और सीधे वापस कार पार्किंग में। इन ऑटो उसका भी सही फंडा है, लाइन से इन्होंने लगा रखा है, जो सबसे आगे लगा उसमें जाके बैठ जाओ। चलो आ जाओ इसमें यार, चलो चलो पीछे, आगे हो गया। पुलिस थाना जाने भैया। चलो ये देखो 370 फीट की मूर्ति है ये बाबा की, पार्किंग, और ये अपनी गाड़ी खड़ी। तो वापस हम लोग बैठ गए हैं गाड़ी में, जयपुर के लिए रवानगी हम लोगों ने ले ली है, और इतना बढ़िया सूर्यास्त हो रहा है भाई, अब सबको लग रही है बहुत जोरों से भूख, तो बढ़िया से कोई ढाबा ढूंढते हैं हाईवे पे और करते हैं पेट पूजा।
भाई कुछ भी नहीं मिला खाने के लिए, फलारी ली थी लेकिन वो भाई उसने नमक वाली नमकीन दे दी, वो तो वापस कर दी खाने के लिए। इन लोगों को भी कुछ नहीं मिला तो खा रहे हैं बिस्किट और चाय। तो चाय तो है बहुत बढ़िया यहाँ पे, ठीक है चाय पीते हैं उसके बाद में चलते आगे कहीं पे जगह ढूंढते बढ़िया सी जहाँ पे ये लोग सारे खाना खा सके। घर ही चल चलेंगे भाई, सुबह से चले हुए हैं और रात के ना 10:30 हो रही है, हालत देखो क्या हो गई लखपत जी की पूरे दिन खाना नहीं खिलाया इनको, मेरे साथ साथ में इन लोगों का भी व्रत हो गया है। तो फाइनली भाई गाड़ी रुक गई है होटल नीलम पे और लखपति जी की ना भूख से बच गई है तगड़ी वाली बैंड। क्या ऑर्डर कर रहे हो जल्दी कर लो। थाली ले लो ना, बेस्ट है, एक वेज थाली ले लो, एक जैसे वो खा ले लो दाल बाटी चूरमा वाली थाली ले लो, ये रहना देखो ना थाली लिखा है ना राजस्थानी थाली वेज थाली स्पेशल थाली। सो ये हमारे भैया है स्पेशल होटल नीलम रेस्टोरेंट होटल नीलम पे। तो भैया स्पेशल थाली में क्या क्या बनाओगे? बनाएंगे दाल तड़का, बनाएंगे जीरे राइस, बनाएंगे पुलाव, बनाएंगे और पापड़ देंगे, सलाद देंगे, गुलाब जामुन देंगे, रायता देंगे और ग्रीन सलाद। बढ़िया है बढ़िया है, चलो बहुत ही बढ़िया है। भैया मेरे व्रत है तो मेरे लिए तो वो लस्सी बनाओगे नमकीन वाली इसमें जीरा वीरा डाल के, बहुत ही बढ़िया। लो भाई खाना आ गया यार, मेरे तो देख के मुंह में पानी आ रहा है। स्पेशल थाली लग गई है बिल्कुल, सब्जी का जो कलर देख के जो मुंह में पानी आ रहा है ना बता नहीं सकता भाई। भाई मेरी लस्सी कहाँ है? तो भाई अपनी आ गई है लस्सी, वेरी नाइस यार। तो भाई पेट पूजा हो गई है बहुत बढ़िया तरीके से। ये मेरे पीछे है होटल नीलम, इनके दो ब्रांचेस है, एक यहाँ पे एक यहाँ से 10 किलोमीटर टूवर्ड्स जयपुर है। तो खाना बहुत अच्छा था भाई, लाइक इन जस्ट विजुअलाइज, मतलब विजुअली खाने को देख के मैं बता सकता हूँ कि खाना बहुत बढ़िया था। खाने का क्या है पहले पेट में तो बाद में जाता है भाई, इसका स्वाद जो होता है ना वो पहले आँखों से लिया जाता है। और इस मामले के अंदर भाई नंबर अपन को पूरे देने पड़ेंगे नीलम होटल को, कि इतना बढ़िया लग रहा था ना, आई एम 100% श्योर कि खाना बहुत टेस्टी था भाई। ये मेरी राय है, बाकी तीनों से पूछा, तीनों बोल रहे खाना बहुत बढ़िया था। तब यहाँ से रवानगी लेते हैं जयपुर के लिए, जयपुर पहुँचने में यहाँ से और 2 घंटे लग जाएंगे। और भाई तुम्हारा चला अब सोने के लिए, ये व्लॉग कर रहा है यही खत्म। स्पेशल सरप्राइज नई गाड़ी की डिलीवरी लेने के लिए हम लोग जाएंगे, सो प्लीज डू वॉच दैट वीडियो, बहुत ही जल्दी आने वाली है। मोस्ट प्रॉब्ली या तो कल जाएंगे, अगर मुहूर्त नहीं हुआ तो आई थिंक मोस्ट प्रॉब्ली हम लोग बुधवार को हम लोग डिलीवरी लेंगे। तो डिलीवरी के लिए भाई ऑफिस से लेना पड़ेगी छुट्टी। नेवर्थलेस कल का जो प्लान है संडे का हम लोग ये प्लान कर रहे हैं कि भाई विवान के साथ में ना बहुत टाइम से मैं बोल रहा हूँ कि हम लोग कैंपिंग करेंगे। 2 बार मैंने कमिटमेंट भी किया भाई लेकिन कमिटमेंट फेल हो गया। और सेल्स वालों के लिए कमिटमेंट फेल होने का मतलब क्या है कि भैया कहीं ना इट्स नॉट अ गुड थिंग। सो अपना कमिटमेंट जो विवान को दिया हुआ है कल कैंपिंग करने का, तो कल कैंपिंग करेंगे विवान के साथ, निक के साथ और पीयू के साथ में। और थोड़ा सा उनको भी फील देते हैं कि भाई लद्दाख और स्पीति में कैंपिंग वगैरह कैसे होती है। सो दिस इज स्मॉल थिंग्स जो बच्चों को हम लोग है ना बचपन से ही आदत डालना शुरू करेंगे, सो दे विल हैव दैट यू नो द सेंस ऑफ एक्साइटमेंट, द सेंस ऑफ थ्रिल, द सेंस ऑफ एडवेंचर कि भाई कैंपिंग कैसे की जाती है। एंड हम लोग जब आगे कभी ट्रैवल करेंगे लद्दाख या स्पीति तो फॉर इन दैट केस वो लोग भी थोड़े से मेंटली धीरे धीरे प्रिपेयर हो जाएंगे। सो अभी तो कैंपिंग हम लोग कहीं बाहर नहीं जा रहे भाई, कैंपिंग करेंगे हम लोग अपने घर पे छत पे ही करेंगे अपनी। और थोड़ी सी ठंड कम हो जाए तो मोस्ट प्रॉब्ली यू नो बिसलपुर डैम या फिर अपना जो ये है सांभर लेक है उसके आसपास में कैंपिंग की जा सकती है, लेकिन अकेले नहीं जाएंगे, उसके अंदर 4-5 गाड़ियों का ग्रुप लेके जाएंगे, सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ। सो भाई यहाँ से 2 घंटे और रह गया है जयपुर, फटाफट जयपुर पहुँचते हैं। अभी तो मैं जा रहा हूँ सोने के लिए, पहुँचते रात के 12:30 बज जाएंगे। सो ये व्लॉग जो है वो यही करता हूँ मैं, दी एंड। प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, और भाई अगली वीडियो के लिए इंतजार करिएगा, देयर इज अ स्पेशल थिंग कमिंग, नई गाड़ी हम लोग खरीदने वाले हैं। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, जय हिंद, समागणी।